वापस घर जा रहा था, मुझे सिंगू बॉर्डर पर पकड़ा गया, मारा गया मेरे सामने किसी आदमी को, और मुझे एक स्क्रिप्ट थमाई गई जिसमें कहा गया कि मैं 4 किसानों को मारने वाला था, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। 2 जनवरी की जो परेड होने वाली है उसमें आप जो देश की, भारत की जो इमेज है उसको दुनिया भर में बदनाम करना चाहते हैं। अच्छा, तिरंगा झंडा लगा कर बदनाम होती है? और कहा कि अब अगली बैठक नहीं होगी, जो प्रस्ताव किया है उसी पर विचार। और हम कहाँ के रहेगा अगली बैठक होगी? हम कहाँ जा रहे अगली बैठक में? अगली बैठक को बॉयकॉट करेंगे सर। हाँ, और क्या करेंगे, अब किसान देगा उनको टाइम कब जाना है। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। मैं हाजिर हूँ सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सवाल लेकर, या यूं कहें उल्टे सवाल लेकर। ये वो सवाल है जिनसे भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। इस समय मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नेता राकेश टिकैत जी। इनसे बेहतर इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये जब सवाल किसानों से जुड़े हैं और वो किसान के नेता हैं। सर, सबसे पहला सवाल जो कि मीडिया पे वायरल है कि आप सरकार की नहीं सुन रहे, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे हैं और पुलिस की भी नहीं सुन रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? हम अपना खेती करना चाहें, हमें खेती करने दो। हाँ, बॉर्डर पे खेती होगी सर? थोड़ा सा लंबा जवाब दीजिए आप, बहुत छोटा सा सवाल दे जवाब देते हैं। मैं जब भी ये सवाल करती हूँ आपसे, इतना छोटा जवाब देते, कभी सवाल नहीं बनता आपके जवाब से, ऐसा क्यों? चलिए सर, बता दीजिए कि सरकार की भी नहीं सुन रहे, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे, पुलिस की भी नहीं सुन रहे, चाहते क्या है? यहाँ बॉर्डर पे खेती होगी? हाँ, खेती होगी बॉर्डर पे। जब हम खेत में खेती करें, यहाँ उसके भाव तय होते हैं दिल्ली में। हाँ, वे भाव तय कहाँ होते हैं, हम उसे देखने आए। हाँ, उसे देखेंगे कहाँ तय होते हैं। 10वें दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें प्रस्ताव रखा गया कि 1.5 साल का स्टे लगाएंगे, उसके बाद मंथन होगा। लेकिन कहा, सोशल मीडिया पर सवाल वायरल है कि ये आपके सिलेबस के बाहर का सवाल था, इसलिए आपने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके बाद नकली किसानों से बैठक की, सलाह मशवरा किया, तब ये प्रस्ताव ठुकराया। नहीं नहीं, हमारे था ही नहीं, जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो हमारा क्वेश्चन था ही नहीं। हमारा क्वेश्चन है कि MSP पे कानून बने, 3 बिल रिफिल हो पूर्ण रूप से, हमारा ये सवाल था, इसी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और बहुत सवाल हैं। ऐसे तो कोई भी प्रस्ताव होता था तो आप कहते थे कानून वापसी तो आंदोलन की वापसी। हाँ। लेकिन जब उन्होंने कहा 1.5 साल का स्टे लगेगा, तो आपने 1 दिन का समय क्यों लिया सर? नहीं नहीं, 1 दिन का कहाँ लिया हमने, अरे जब शाम होगी उन्होंने कहा कि ये हमारा प्रस्ताव है, हम अंदर जा रहे थे, वहाँ पे बंद तोड़ा करते, हमको घर तो आने देते। उन्होंने कहा कि कल फिर मीटिंग है, हम कल फिर आ गए, उनको जवाब दे दिया। 11वें दौर की बैठक जो हुई उसमें किसानों का अपमान हुआ कहा जा रहा है, 15 मिनट की बातचीत हुई, 3 घंटे का लंच हुआ, उसके बाद आए और कहा कि अब अगली बैठक नहीं होगी, जो प्रस्ताव किया है उसी पर विचार करें। हाँ, और हम कहाँ के रहे अगली बैठक होगी, हम कहाँ जा रहे अगली बैठक में? अच्छा, अगली बैठक को बॉयकॉट करेंगे सर? हाँ, और क्या करेंगे, अब किसान देगा उनको टाइम कब जाना है? अब सरकार के साथ जो तालमेल बिठाया था वो बिगड़ गया क्या सर? हाँ, बिगड़ गया, तालमेल बिगड़ गया, हमारी लड़ाई होगी, हमारी लड़ाई होगी। हाँ, सरकार से 26 जनवरी की जो परेड करने वाले हैं, अगला सवाल पूछ लेती हूँ आपसे, ये उल्टा सवाल है, आपको सीधा जवाब देना है कि 26 जनवरी की जो परेड होने वाली है उसमें आप जो देश की, भारत की जो इमेज है उसको दुनिया भर में बदनाम करना चाहते हैं। अच्छा, तिरंगा झंडा लगा के बदनाम होती है? जो ट्रैक्टर पर हम जाएंगे वो प्रतिबंधित है, वो चाइना का ट्रैक्टर है क्या? और जो तिरंगा झंडा है वो बाहर का झंडा कोई, उससे छवि खराब होती है? ये किसने बताया? उससे मिलवाओ मास्टर जी साहब, किसने बताया ये बताओ। मास्टर जी, सोशल मीडिया पर ये सवाल वायरल है कि कहा जा रहा है कि 26 जनवरी की जो परेड होती है वो तो प्रेस्टीजियस परेड होती है, उसमें हर चीज़ का आपको ट्रेनिंग दी जाती है, महीनों पहले से लोग ट्रेंड होते हैं, आप उसको ख़राब करने के लिए, सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए इस परेड को कर रहे हैं, आप मान नहीं रहे, इसीलिए ये परेड अब देश की इमेज ख़राब करेंगे, तो क्या ऐसा होने वाला है? देश का तिरंगा लगा कर अगर ट्रैक्टर लेकर किसान जाएगा, उससे तो देश की शान बढ़ेगी कि इतनी बड़ी परेड हिंदुस्तान में हुई, 400 बाहर के लोग, ये पता चला है कि विदेशी लोग इसको कवर करने के लिए आ रहे, ये तो दुनिया की ऐतिहासिक परेड होगी। सोशल मीडिया
मीडिया के सवाल तो पूछ लिए सर, एक ट्वीट भी पूछ लेती हूँ जो आप ही के ऊपर किया गया है। महाभारत के युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट पढ़ देती हूँ आपके सामने। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि राकेश टिकैत भूल गया है कि आंदोलन खत्म करके उसे कभी ना कभी वापस अपने घर यूपी के बागपत में आना है, फिर बाबा जी कायदे से धनिया बोएंगे। यहाँ पर बाबा जी से मतलब योगी जी से है, तो क्या योगी जी से डराया जा रहा है आपको? इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर ये भी ट्रेंड हुआ कि #IStandWithGajendraChauhan, तो आप बताइए सर कि धनिया बोया जाएगा बागपत वापस जाएंगे तो धनिया तो ठीक है, वो तो ठीक महंगा बिकता है, वो तो बिना उसके तो सब्जी बनती नहीं, तो हो सके कि उसकी उस टाइम पे उनको पता होगा कि उस टाइम पे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है, उन्होंने ठीक कहा, जो कहा हम क्या गलत कह रहे। गजेंद्र चौहान ने जो कहा आप उनको कुछ कहना नहीं चाहते? नहीं, क्या कहना चाहते, जो कुछ कह दिया हमने ये कहा कि जिसे जो कुछ कहना हो कहो। हाँ धनिया के तो बगैर धनिया के भाई वो उसको खाना छोड़ दे। सरल सा जवाब देते हैं सर, यही उनकी एक आप तरीके से योग्यता ही कह सकते हैं। मगर गजेंद्र चौहान जिन्होंने ये ट्वीट किया था उन्होंने अब ये ट्वीट डिलीट कर दिया है, उन्हें शायद डर लग गया है किसी बात का। भाई जिसका नाम कहीं का वगैरह था उन्होंने महाभारत के युधिष्ठिर थे सर, युधिष्ठिर की क्या भूमिका थी वो तो शायद झूठ नहीं बोलते थे कभी। दुर्योधन बन गए क्या? नहीं नहीं दुर्योधन नहीं बने, उनका तो सम्मान करते हैं भाई, उन्होंने कोई चीज कही तो सब सम्मान करते हैं, उन्होंने तो जो कहा सिर माथे पर लगाएंगे, उनको धन्यवाद करते हैं, उन्होंने कम से कम कहा तो। अब अगली बैठक की तारीख नहीं मिली है, अब किसान आंदोलन थक चुका है, इसलिए इसको सपोर्ट करने वाले लोग अब जा चुके हैं। उदाहरण के तौर पर दिलजीत दोसांझ अब कनाडा की सैर कर रहे हैं, अब आपको किसी का सपोर्ट नहीं है सर? ना हमें कहाँ जरूरत है किसी के सपोर्ट, ये तो किसान सपोर्ट कर रहा है हमें। हाँ किसान ही तो सपोर्ट कर रहा। सर कुछ बोल दीजिए, इतना छोटा इतना लंबा सवाल मैं करती हूँ और आप छोटा सा जवाब दे देते हैं बिल्कुल, तो लोग भी कहते हैं कि तुम ही बोलती रहती हो सर, तो कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा फिर अच्छा चलिए सर, अगला सवाल सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल कर लेती हूँ। जो नकाब पोश के साथ कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनका अगला वीडियो अब आ गया है, उन्होंने कहा है कि मैं सोनीपत से वापस घर जा रहा था, मुझे सिंगू बॉर्डर पर पकड़ा गया, मारा गया मेरे सामने किसी आदमी को और मुझे एक स्क्रिप्ट थमाई गई जिसमें कहा गया कि मैं 4 किसानों को मारने वाला था जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। उसने तो वीडियो दी थी अपने, मैंने भी उससे पूछा था तो उसने बता रहा था कोई चीज़, जो हमने पुलिस को ये कहा कि उसमें पंजाब पुलिस भी थी और हरियाणा पुलिस भी उसमें थी और दिल्ली की पुलिस भी थी, तो सारे अधिकारी वहाँ पाए थे, उन सब अधिकारी को दिया कि ये मानसिक रूप से वो है या इसका कोई प्लान है पूर्ण रूप से, उसकी जांच आप इसकी करो, इसके परिवार की बैकग्राउंड क्या है और जिन लोगों के नाम ले रहा है उनका इससे क्या कनेक्शन है। उसने कोई प्रदीप का भी उसने नाम लिया, 2 जो महिलाएँ थी उनका भी उसने नाम लिया, वे कहाँ कहाँ रहती है उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोगों का, किसी गांव का उसने नाम लिया, तो जब वो किसी गांव का नाम ले रहा है तो ऐसे नहीं वो जानता, वो कोई ना कोई लिंक उस गांव से उसका ज़रूर होगा। और उसने कहा कि 10 लोगों की हमारी पूरी टीम है, हमको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें ये भी उसने बताया है कि हमको पुलिस के लोगों ने किसी ने ट्रेनिंग दी, वो उसने एक थाने का नाम भी लिया और थाने के एक अधिकारी का भी उसने SHO का नाम लिया। आप ये नहीं पता कि उस नाम का SHO है या कोई है या नहीं भी है, ये नहीं पता, लेकिन उसने राई थाने का नाम उसने लिया, ये सारी चीज़ें उसने ली है। तो कोई चीज़ ली है तो इसका जांच का सब्जेक्ट पुलिस ही इसकी जांच कर सकती है और इसीलिए 3 स्टेट की पुलिस को उसको दिया है कि तीनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ और वो काम कर सकती है, तो जब उसकी जांच होगी उसमें पूर्ण रूप से जब ही उसका पता चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उसमें उसके नीचे सवाल किया गया है कि आप लोग क्यों उसको बोलने के लिए कह रहे हैं, आप किस राकेश टिकैत जी क्यों उनसे बोलने के लिए कह रहे हैं, उसको नकाब क्यों पहनाया गया, उसका मुंह क्यों ढका है? मुंह इसलिए ढका के हो सके कि कोई आदमी उसका चेहरा नहीं किसी को दिखना चाहिए कि वो कौन है, हो सके कि किसी गैंग से हो तो उसको दिक्कत हो जाए, और फिर कोई आदमी है नहीं है तो पहले जब वो बोल रहा है तो उसका चेहरा टीवी पे नहीं आना चाहिए क्योंकि एक इमेज खराब होती है किसी आदमी की, तो इसलिए उसका नकाब ढक कर वो पुलिस को दे दिया और पुलिस अपने आप उसको करेगी। तो सुना आपने, हमारे साथ राकेश टिकैत जी थे, उन्होंने सारे उल्टे सवालों के सीधे और सटीक जवाब दिए। इन सभी जवाबों पर आपका क्या कहना हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, देखते रहें द बोलती बंद क्योंकि अब देश बोलेगा।
धन्यवाद।